आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। क्षेत्रीय खेलकूद विभाग 73वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 15 अगस्त की सुबह क्रॉस कंट्री रेस निकालने जा रहा है। 5 किलोमीटर लंबी इस क्रॉस कंट्री रेस में शहर भर से धावक भागीदारी करेंगे। क्षेत्रीय खेलकूद विभाग 73वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम से 15 अगस्त की सुबह क्रॉस कंट्री रेस निकालने जा रहा है। 5 किलोमीटर लंबी इस कंट्री रेस में शहर भर से धावक भागीदारी करेंगे। 15 अगस्त को इस वर्ष पूर्व वर्षों की भांति भी कोविड-19 का पूरा ध्यान रखते हुए हम लोग 5 किलोमीटर की 12 बालिकाओं की एक रेस कराएंगे, जिसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड फर्स्ट दोनों वर्गों में पुरस्कार दिया जाएगा और झंडारोहण तत्पश्चात निष्ठान वितरण और राष्ट्रीयगान का साथ समापन होगा। क्षेत्रीय खेलकूद अधिकारी सुनील चंद्र जोशी ने बताया कि स्टेडियम से शुरू होकर माल रोड होते हुए स्टेडियम में समाप्ति होगी। यहां खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। ये हमारी दौड़ जो है पूरी 5 किलोमीटर पंजीकरण आप एक दिन पहले भी करा सकते हैं, उस दिन आकर भी करवा सकते हैं और निःशुल्क रहेगा, कोई फीस नहीं है। और केवल क्या कहते हैं 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरा करना और जो प्रथम 3 होंगे उनको पुरस्कार दिया जाएगा, 1-2 सांत्वना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इसी तरह दोनों वर्गों में ऐसी कोविड के चलते क्षेत्रीय खेलकूद विभाग ने स्वतंत्रता दिवस पर इस क्रॉस कंट्री रेस को स्थगित किया था। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।